इसके बाद तो पूरे श्रीलंका में ही तमिल विरोधी हिंसा शुरू हो जाती है। चारों तरफ तमिलों पर हमले होते हैं। माना जाता है इस हिंसा में 3000 से अधिक तमिलों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जून 1987 में श्रीलंका सरकार ने लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन लिबरेशन चलाना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप खूनी नरसंहार शुरू होता है। विदेश मंत्री नटवर सिंह ने उन्हें कह दिया कि श्रीलंका की वायुसेना ने अगर कोई भी दिक्कत दी तो इसके आगे भारतीय वायुसेना ही निपटेगी। अगर ऐसा हुआ तो भारत पूरी फोर्स के साथ प्रतिक्रिया देगा। 4 अगस्त को प्रभाकरण ने घोषणा की कि वो हथियारों का समर्पण कर रहा है, लेकिन वो अपने भाषण के अंत में अपना आदर्श वाक्य कहना नहीं भूला जो था, टाइगर्स की तमिल मातृभूमि के लिए प्यास। ये आदर्श वाक्य अलग तमिल ईलम बनाने का लिट्टे का नारा हुआ करता था। IPKF और लिट्टे में 10 अक्टूबर 1987 से लेकर चल रहे इस युद्ध में 12 जुलाई 1989 तक भारत के 945 जवान शहीद हो गए। वहीं लिट्टे ने भी इसमें 754 के करीब काडर खो दिए। गठबंधन की इस फूट ने 7 नवंबर 1990 के दिन VP सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि भाजपा ने VP सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसलिए प्रभाकरण के पास एक ही विकल्प था, वो था राजीव को सत्ता में वापस आने से रोकना। और इसी बैकग्राउंड में अब राजीव की हत्या की साजिश रची जाने लगी। 21 मई 1991 के दिन तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। जब CBI ने इस हत्या की जांच की तो लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नाम के संगठन को दोषी पाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लिट्टे कौन था, कौन था इसका लीडर प्रभाकरण, और श्रीलंका के इस उग्रवादी संगठन को राजीव गांधी से आखिर क्या चिढ़ थी। लिट्टे मूलतः श्रीलंका में रहने वाले तमिल अल्पसंख्यकों का एक लड़ाका समूह था जो श्रीलंका में रह रहे तमिलों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था। चूंकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के सिंगली लोग बहुसंख्यक थे, इसलिए तमिलों की स्थिति वहां पर ठीक नहीं थी। उनके अधिकारों को भी लगातार कम किया जा रहा था, इसलिए भारत में रहने वाली तमिल जनता यानी कि तमिलनाडु की जनता में भी श्रीलंका में मौजूद तमिलों के लिए सहानुभूति थी। लेकिन स्थितियां ऐसी बनती हैं कि लिट्टे भारत सरकार से नाराज हो गया। लिट्टे एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था जिसका नाम था तमिल ईलम। इस तमिल ईलम में श्रीलंका के अलावा भारत के भी हिस्सों को मिलाने की मांग की जा रही थी। ये एक तरह से भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता के लिए भी खतरनाक था। इसलिए भारत सरकार के लिए ये मुश्किल था कि वो लिट्टे का साथ दे या ना दे। वो श्रीलंका में जूझ रहे तमिलों के हितों की रक्षा करे या तमिलों से संबंध बनाए या श्रीलंका से संबंध बनाए रखे। इसलिए लिट्टे की कहानी की जड़ को समझने से पहले जरूरी है कि श्रीलंका के तमिलों के इतिहास पर नजर मारी जाए। बिना इसे समझे राजीव गांधी की हत्या के पीछे की परतें समझ नहीं आएंगी। आज के इस एपिसोड में इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर लिट्टे कौन था और क्यों इसको राजीव गांधी से चिढ़ थी। श्रीलंका में तमिल बहुत लंबे वक्त से रह रहे हैं। विद्वानों की माने तो 13वीं शताब्दी में ही श्रीलंका के जाफना में एक अलग तमिल राज्य स्थापित हुआ करता था। 15वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत और श्रीलंका पहुंचे, उस वक्त श्रीलंका में 3 राज्य हुआ करते थे। एक का नाम था कोट्टे, ये श्रीलंका के साउथ में स्थित था, इसमें अधिकतर सिंगली बौद्ध रहा करते थे। दूसरा राज्य श्रीलंका के मध्य में था, इसका नाम था कैंडी, इसमें भी सिंगली रहा करते थे। तीसरा राज्य उत्तर और पूर्व में स्थित था, इसका नाम था जाफना, जहां तमिल भाषी रहा करते थे। लिट्टे द्वारा प्रकाशित पत्रिका के अनुसार सीलोन, जो कि श्रीलंका का पुराना नाम है, वो एक अकेला देश नहीं था बल्कि 2 देशों यानी कि एक श्रीलंका और एक तमिल ईलम, इन दोनों देशों की मातृभूमि हुआ करता था। लिट्टे मानता था कि सीलोन में 2 संस्कृतियां रहा करती थी, 2 अलग देश थे जिनका अपना एक अलग इतिहास था। लेकिन पुर्तगालियों के बाद जब अंग्रेज श्रीलंका आए तो उन्होंने तीनों राज्यों पर एक साथ नियंत्रण पा लिया और इस तरह श्रीलंका एक केंद्रीकृत राज्य बन जाता है जिसकी शक्ति एक ही सत्ता के हाथ में थी। अब अंग्रेजों ने श्रीलंका के मध्य में स्थित कैंडी राज्य की ऊंची पहाड़ियों पर कॉफी और चाय के बागानों की शुरुआत कर दी, लेकिन इसे चलाने के लिए चाहिए थे मजदूर जो इन्हें कैंडी में नहीं मिल रहे थे। इसलिए इन्होंने गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे तमिलों को भारत से श्रीलंका में बसाना शुरू कर दिया। जब 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है, उस वक्त श्रीलंका में भारत से आए मजदूरों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच चुकी थी। जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी भी आई। अंग्रेजी के प्रचार ने समाज में एक ऊंची श्रेणी को जन्म दे दिया और कुछ लोग गरीब रह गए। चूंकि तमिल जिन क्षेत्रों में बसाए गए थे वे अधिक उपजाऊ नहीं थे, उनमें खेती नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्हें जीवन जीने के लिए शिक्षा का सहारा लेना पड़ा। अब अंग्रेजी शिक्षा के कारण तमिलों की एक बड़ी संख्या डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर
और अन्य उद्योगों में चली गई। तमिल पढ़े लिखे होने के कारण अपने क्षेत्रों से पलायन करके सिंगली बौद्धों के इलाकों में बसने लगे। जिस वक्त श्रीलंका को आज़ादी मिली उस वक्त तक पूरे श्रीलंका में कुल तमिलों की संख्या 30% करीब थी। इनमें भी एक तिहाई लोग भारत से आए हुए तमिल थे, यानी भारत से आए हुए तमिल श्रीलंका की कुल पॉपुलेशन के 10% के बराबर थे और कुल तमिल श्रीलंका में 30% के बराबर थे, जिसमें श्रीलंका के तमिल और भारत के तमिल शामिल थे। श्रीलंका में रह रहे भारतीय तमिल संगठन के स्तर पर काफ़ी मजबूत थे, लेकिन जैसे ही श्रीलंका को आज़ादी मिलती है तो पहली यूएनपी सरकार ने दो विवादास्पद कानून बना दिए, एक था सिटीजनशिप एक्ट, दूसरा था पार्लियामेंट इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। ये दोनों कानून चाय कॉफी के उद्यानों में काम कर रहे भारतीय तमिलों के खिलाफ थे। इस कानून के तहत भारतीय तमिलों से नागरिकता छीन ली गई और उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में जहां तमिल रहा करते थे वहां प्रधानमंत्री सेना नायके ने कुछ सिंचाई योजनाएं शुरू कर दी ताकि दक्षिण और पश्चिम में रह रहे सिंगली लोग इन तमिल क्षेत्रों में जाकर बस जाएं। इन योजनाओं का असर ये हुआ कि आज़ादी के वक्त इन इलाकों में सिंगली लोगों की आबादी जो मात्र 10,000 हुआ करती थी वो साल 1977 आते आते 10 गुना बढ़कर 1,00,000 हो गई। इससे आबादी का संतुलन बिगड़ने लगा। तमिलों को लगा कि ये उनके लिए खतरा है, वे अपने ही इलाकों में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। अब तमिलों में अपने अलग राज्य की मांग की जाने लगी जो पूरी तरह से स्वायत्त हो, लेकिन जब भी तमिल स्वायत्तता की मांग करते तो ये ख्याल ही सिंगली लोगों को भारी खटकता। उन्हें लगता कि अगर अलग तमिल राज्य बनेगा तो ये भारत के तमिलनाडु के करीब होगा। इसका मतलब कि तमिलनाडु में रहने वाले तमिलों का भी उन्हें साथ मिलने लगेगा। इसलिए सिंगलियों ने भी तमिलों का दमन करना शुरू कर दिया और उनकी जगहों को घेरना शुरू कर दिया। इसके साथ ही भाषा का विवाद भी दोनों बड़े समुदायों के बीच में आने लगा। दरअसल श्रीलंका की आज़ादी से पहले ब्रिटिश राज में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा हुआ करती थी, लेकिन सिंगली भाषा और तमिल भाषा दोनों को समान दर्जा प्राप्त था। लेकिन जब श्रीलंका की नई भंडार नायके सरकार ने साल 1956 में केवल सिंगली भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव जारी किया, तब तमिलों की फेडरल पार्टी इसके विरोध में कोर्ट में पहुंच जाती है। तमिल केवल भाषा के लिए ही नहीं बल्कि अलग राज्य की, अलग स्वायत्त राज्य की मांग भी करने लगे। याद रहे कि ये श्रीलंका के अंदर ही मांग की जा रही थी, बल्कि अलग देश की मांग नहीं की जा रही थी। वे चाहते थे कि श्रीलंका में ही संघीय ढांचे में रहकर एक ऐसे स्वतंत्र राज्य हो जिसमें रहकर तमिलों की सांस्कृतिक विरासत को बचाया जा सके। इस मांग को मनवाने के लिए तमिल संगठनों ने तमिलों से कहा कि वे या तो अंग्रेजी में काम करें या तमिल में करें। शुरू में यह आंदोलन महात्मा गांधी के नागरिक अवज्ञा आंदोलन की तरह ही था, लेकिन जल्द ही तमिलों और सिंगलियों में हिंसक झड़पें होने लगीं। सिंगली भाषा और तमिल भाषा का ये मामला अगले कुछ वर्षों तक ऐसे ही चलता है, लेकिन इसी बीच 70 के दशक में भंडार नायके की सरकार ने स्टैंडर्डाइजेशन योजना को लागू कर दिया। इस योजना के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सिंगलियों को तमिलों के मुकाबले कम अंकों पर एडमिशन दिए जाने लगा, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि इंजीनियर, मैनेजर और डॉक्टर जैसे क्षेत्रों में तमिलों की संख्या अधिक है और सिंगलियों की संख्या कम है, इसलिए सिंगलियों को उनसे कम नंबरों पर एडमिशन मिलना चाहिए। यह दरअसल बहुसंख्यक सिंगलियों के तुष्टिकरण के लिए किया जा रहा था ताकि वे सिंगली नेता बार बार चुनाव जीतते रहें, जैसा आज भारत में हो रहा है। बार बार मुस्लिमों को दबाकर हिंदुओं का तुष्टिकरण किया जा रहा है, लेकिन इस नीति के दुष्परिणाम क्या होते हैं आपको आगे जानने को मिलेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन योजना के फैसले से तमिलों को महसूस होता है कि तमिल भाषा के बाद अब उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। वे अपनी ही मातृभूमि में दूसरे दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं। अब वो वक्त आ जाता है जब तमिलों ने संघर्ष करने का रास्ता चुना। तमिल नेता चेलवा नायकम ने तमिल मांगों को लेकर सरकार को चुनौती दे डाली, अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया। इस बीच दूसरे भी तमिल संगठनों का जन्म हो रहा था और साल 1972 में एक 18 साल के लड़के के नेतृत्व में एक संगठन बनता है। इस लड़के का नाम था वेलू पिल्लई प्रभाकरन। प्रभाकरन थोड़े अलग तरीकों में विश्वास रखता था। तमिल और सिंगलियों के बीच लगातार चल रही हिंसक झड़पों के बीच प्रभाकरन ने जाफना के मेयर अल्फ्रेड दरियप्पा की गोली मारकर हत्या कर दी। जाफना का यह मेयर सरकार के करीब माना जाता था। तब तक प्रभाकरन को तमिलों में बहुत अधिक बड़ा नहीं माना जाता था, लेकिन इस सनसनीखेज हत्या ने प्रभाकरन को तमिलों के बीच हीरो बनाकर रख दिया, जो अभी 21 साल का भी नहीं हुआ था।
श्रीलंका सरकार की खूब कोशिशों के बाद भी प्रभाकरण को पकड़ा नहीं जा सका। 5 मई 1976 के दिन अब प्रभाकरण ने अपने संगठन का नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे रख दिया। सिंगली उग्रवादियों द्वारा तमिल प्रवासियों के साथ भी कई जगह हिंसा की जाने लगी। दोनों ही समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। साल 1977 आते आते श्रीलंका में तमिलों की हत्याओं और तमिल विरोधी प्रदर्शनों के कारण भारत के तमिलनाडु में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। वे तमिल लड़ाके जो श्रीलंका में मुश्किल में आते तो भागकर तमिलनाडु चले आते। यहाँ इन लोगों का नायकों जैसा स्वागत किया जाने लगा। इस तरह भारत के लोग भी अब श्रीलंका के तमिलों के मामले में जुड़ जाते हैं। यहाँ से भारत की एंट्री होती है। इसके बाद प्रवासी तमिल नेताओं और कार्यकर्ताओं का भारत आना जाना शुरू हो जाता है। इस बीच 1978 में लिट्टे ने कई हत्याओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप सरकार ने लिट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया। हर रोज हो रही छुटपुट घटनाओं को आधार बनाकर जयवर्धने ने आपातकाल की घोषणा कर दी। इस आपातकाल में आतंक विरोधी कानून लाए गए। उग्रवादियों से निपटने के लिए पुलिस और आर्मी को अत्यधिक अधिकार दे दिए गए। इधर लिट्टे के कार्यकर्ता भी अधिक से अधिक इंटॉलरेंट होते चले गए। अगर कोई भी तमिल नेता सरकार का थोड़ा सा भी पक्ष लेता तो लिट्टे के कार्यकर्ता उसे भी नहीं बख्शते। साल 1983 में स्थानीय चुनावों में लिट्टे ने चुनावों का बहिष्कार किया। तमिल क्षेत्रों में इस बहिष्कार को जबरदस्त समर्थन मिला। तमिल क्षेत्रों के 90% लोगों ने वोट नहीं किया। इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लिट्टे तमिलों में कितना पावरफुल हो चुका था। लिट्टे के कार्यकर्ता उन तमिल पार्टियों के उम्मीदवारों को भी निशाना बनाते जो चुनाव लड़ रहे थे। एक तरह से धीरे धीरे लिट्टे और प्रभाकरण तमिलों का एकमात्र संगठन और एकमात्र हीरो बनकर उभरे। अन्य तमिल संगठनों की मांग श्रीलंका में रहकर ही एक स्वायत्त राज्य की मांग थी, लेकिन लिट्टे स्वतंत्र तमिल इलम से नीचे कुछ नहीं चाहता था। यानी जहां जहां तमिल रह रहे थे उन क्षेत्रों को मिलाकर एक देश बनाया जाए और इसमें भारत के हिस्से भी शामिल थे। अपनी मांग को मनवाने के लिए लिट्टे और भी अधिक खतरनाक होता चला जाता है। 23 जुलाई 1983 के दिन प्रभाकरण के नेतृत्व में 13 श्रीलंकाई सैनिकों को मार डाला गया। इसके बाद तो पूरे श्रीलंका में ही तमिल विरोधी हिंसा शुरू हो जाती है। चारों तरफ तमिलों पर हमले होते हैं। माना जाता है इस हिंसा में 3000 से अधिक तमिलों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 18000 तमिलों के घर उजाड़ दिए गए और करीब 1.5 लाख तमिलों को अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। लेकिन राष्ट्रपति जयवर्धने ने इतनी बड़ी हिंसा पर भी तमिलों के प्रति कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की। श्रीलंका में चल रही तमिल विरोधी हिंसाओं का परिणाम ये हुआ कि एक बड़ी संख्या में तमिल भारत के तमिलनाडु राज्य में शरणार्थी बनकर पहुंचने लगे। इससे तमिलों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर भारी क्षति उठानी पड़ी। अब तमिल संगठनों जैसे कि TULF और लिट्टे ने चेन्नई में अपने कार्यालय बनाने शुरू कर दिए। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की भी इन पर नज़र थी। माना जाता है कि अंदर ही अंदर रॉ ने भी उन्हें मदद की। श्रीलंका के ये तमिल संगठन तमिलनाडु में भी सक्रिय रहने लगे और श्रीलंका के तमिल बाहुल्य उत्तर और पूर्वी इलाकों में भी हमले यहीं से करते रहे। लेकिन इससे भारत के लिए श्रीलंका के साथ विदेशी नीति का संकट पैदा हो जाता है। श्रीलंका भारत के लिए हमेशा एक जरूरी और भरोसेमंद पड़ोसी रहा है। वैसे में भारत उन लोगों को खुले तौर पर शरण नहीं दे सकता था जो श्रीलंका में हमलों के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हों। दूसरी तरफ तमिलनाडु की आम जनता श्रीलंका के तमिल प्रवासियों से भारी सहानुभूति रखती थी। श्रीलंका के लोग चाहते थे कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। इसी बीच अगस्त 1983 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा में बयान दिया कि वे श्रीलंका की एकता, स्वतंत्रता और अखंडता के पक्ष में हैं। हालांकि भारत सरकार तमिलों के साथ खुली सहानुभूति रखती थी, लेकिन विदेश नीति के चलते भारत सरकार श्रीलंका के विभाजन के पक्ष में नहीं थी। एक तरह से भारत सरकार का ये पक्ष तमिल ईलम यानी स्वतंत्र तमिल देश के पक्ष में नहीं था। ये एक तरह से लिट्टे की उस आकांक्षा के खिलाफ था जो तमिल ईलम के अलावा कुछ भी मंजूर करने के लिए तैयार नहीं था। लिट्टे ने तमिलनाडु में भी कई ट्रेनिंग कैंप खोल लिए। साल 1984 के आते आते लिट्टे ने अपनी खुद की जहाज कंपनी या कहें कि खुद की जल सेना भी तैयार करना शुरू कर दिया। इसका काम बाहर के देशों से हथियार और बारूद खरीद कर जाफना के जंगलों में पहुँचाना था। बाहर के देशों में कुछ कंपनियां खोली जाने लगी। इनके माध्यम से अन्य सामानों के साथ साथ तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों पर हथियार मंगाए जाते जिन्हें छोटी छोटी नौकाओं में उतार लिया जाता और जाफना के जंगलों में पहुंचा लिया जाता। कुमार पद्मनाथन यानी कि शॉर्ट में कहें तो KP वो आदमी था जो लिट्टे के लिए हथियार सामग्री की खरीद फरोख्त कर रहा था। इस वक्त तक अलग अलग देशों में श्रीलंकाई तमिल बस चुके थे जैसे यूरोप, USA, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया आदि।
इनमें से बहुत से लोग श्रीलंका की सरकार से नाराज थे। करीब 50 से अधिक देशों में लिट्टे ने अपने जानकारों के माध्यम से लिट्टे के दफ्तर खुलवा लिए। केपी इन देशों से सिर्फ हथियारों की खरीदारी नहीं करता, बल्कि अलग अलग देशों में जाकर तमिल लोगों से लिट्टे के लिए पैसे इकट्ठे करता। कई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में लिट्टे के बैंक खाते खोल गए। इसे लिट्टे की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरह से वो अपनी परिधि में ही एक पूरा देश चला रहा था, जिसके पास कैडर के रूप में अपनी सेना थी, जल सेना थी, जहाज कंपनियां थी और दर्जनों देशों में यानी कि 50 से भी अधिक देशों में कार्यालय थे। नागरिकता से वंचित तमिल प्रवासी जो स्वतंत्र तमिल राज्य का ख्वाब देखते थे, उन पर लिट्टे को समर्थन देने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। लेकिन भारत और लिट्टे के बीच कुछ बुनियादी मतभेद थे, खासकर स्वतंत्र तमिल ईलम के सवाल पर। भारत सरकार लंबे वक्त तक इस मसले से खुद को दूर नहीं रख सकती थी। भारत सरकार चाहती थी कि तमिल लड़ाका संगठन श्रीलंका सरकार से बातचीत करें और एक समझौता कर लें, लेकिन लिट्टे को इस प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नवंबर 1986 में तमिलनाडु पुलिस ने अपने राज्य में मौजूद सभी श्रीलंकाई तमिल लड़ाकों के हथियार जब्त कर लिए। अब लिट्टे समझ चुका था कि तमिलनाडु भी उसके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए लिट्टे का यानी कि लीडर प्रभाकरण वापस श्रीलंका के जाफना में चला गया। उधर श्रीलंकाई सरकार लिट्टे के दमन में लगी हुई थी, उसे पाकिस्तान, इजराइल, सिंगापुर और चीन से सहयोग आने लगा। जून 1987 में श्रीलंका सरकार ने लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन लिबरेशन चलाना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप खूनी नरसंहार शुरू होता है। हवाई जहाज के माध्यम से जाफना के जंगलों में बम फेंके जाने लगे, जो कि तमिल बाहुल्य क्षेत्र था जहां लिट्टे की भारी पकड़ थी। श्रीलंका की सेना ने जाफना को पूरी तरह चारों ओर से सीज कर दिया। ऑपरेशन लिबरेशन में जिस तरह तमिल नागरिकों को मारा जा रहा था, उनके मानव अधिकारों को कुचला जा रहा था, उससे भारत में भी भारी प्रतिक्रियाएं आने लगी। खासकर तमिलनाडु के लोगों ने भारत सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया कि वो तमिलों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलती क्यों नहीं है, कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं करती है। भारत सरकार अब मजबूर हो जाती है। 2 जून 1987 के दिन भारत सरकार ने कहा कि उत्तरी श्रीलंका में बिना हथियारों वाले पानी के जहाजों के काफिले भेजेगी, जिससे तमिल जनता को राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। लेकिन श्रीलंका सरकार ने ऐसा नहीं करने दिया। भारत के मानवीय मदद वाले जहाजों को भी श्रीलंका ने लौटा दिया। इससे केंद्र की राजीव सरकार की साख को भारी नुकसान पहुंचा। अब नेवल मिशन पूरा नहीं हुआ तो भारत सरकार अब हवाई जहाज के द्वारा राहत सामग्री भेजने के लिए सोचने पर मजबूर हो गई। यह ऐसा कदम था जो एक तरह से श्रीलंका की संप्रभुता के खिलाफ था। फिर भी राजीव ने हवाई ऑपरेशन का आदेश दे दिया। 4 जून 1987 के दिन इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन पूमलाई, जिसका मतलब था फूलों की माला, उसे शुरू कर दिया। ऑपरेशन पूमलाई के तहत भारत ने हवाई जहाजों के माध्यम से जाफना में राहत सामग्री पहुंचाई। ये एक तरह से भारत का प्रतीकात्मक संकेत था कि तमिलों के मामले पर अब भारत लंबे वक्त तक चुप नहीं बैठेगा। इधर दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका के हाई कमिश्नर को बुलाकर सूचित कर दिया कि आज भारत की वायुसेना जाफना में राहत सामग्री सप्लाई करेगी। विदेश मंत्री नटवर सिंह ने उन्हें कह दिया कि श्रीलंका की वायुसेना ने अगर कोई भी दिक्कत दी तो इसके आगे भारतीय वायुसेना ही निपटेगी। अगर ऐसा हुआ तो भारत पूरी फोर्स के साथ प्रतिक्रिया देगा। ये एक खुला संदेश था और आगे के लिए एक बड़ा संकेत भी। ये राजीव गांधी के लिए अपनी साख बचाने के लिए उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कदम था, जिन्हें तमिलनाडु में ही अपने ही तमिल लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ रहा था। भारत की इस प्रतिक्रिया से श्रीलंकाई सरकार भी भारत से बात करने के लिए मजबूर हो जाती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति जे आर जयवर्धने ने राजीव गांधी सरकार को बातचीत करने के लिए ऑफर दिया। अब जाफना से भी श्रीलंका सरकार ने नियंत्रण कम कर दिया। जयवर्धने के इस प्रयास के बाद 29 जुलाई 1987 के दिन भारत श्रीलंका समझौता 1987 होता है। इस समझौते के तहत जयवर्धने और राजीव गांधी के बीच तय हुआ कि सबसे पहले श्रीलंका में मौजूद तमिल क्षेत्रों यानी उत्तरी और पूर्वी राज्यों को मिलाकर एक तमिल प्रांत बनाया जाएगा और उसे श्रीलंका के अंदर ही पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी। इस समझौते में दूसरी व्यवस्था ये की गई कि तमिल भाषा को ऑफिशियल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था ये थी कि श्रीलंका सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन लिबरेशन को वापस ले लिया जाएगा। तमिल इलाकों से श्रीलंकाई सेना को वापस बुला लिया जाएगा। इसके साथ ही इस समझौते में तय हुआ कि तमिल लड़ाकों को भी अपने हथियार समर्पण करने पड़ेंगे। इस समझौते के बाद माना जाने लगा कि अब श्रीलंका में चल रहा गृह युद्ध शांत हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तमिलों की सारी मांगें मान ली गई थी। लेकिन इस समझौते में लिट्टे की जो अलग देश की मांग थी, यानी कि तमिल ईलम की जो मांग थी, उसे नहीं माना गया। भारत ने श्रीलंका की संप्रभुता
और अखंडता का सम्मान किया। दूसरी बात यह कि तमिल ईलम का आइडिया सिर्फ श्रीलंका में मौजूद तमिल क्षेत्रों से ही संबंधित नहीं था, बल्कि भारत में मौजूद तमिल मातृभूमि से भी था, जिसे मिलाकर एक अलग तमिल देश की मांग की जा रही थी। लिट्टे के द्वारा यानी कि भारत का भी एक हिस्सा लिया जाना था। एक तरह से लिट्टे का उग्रवाद भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ भी था। इस समझौते के तहत ये भी तय हुआ कि अगर इसके भी बाद तमिल लड़ाके नहीं मानते, लिट्टे नहीं मानता, तो श्रीलंका की मदद के लिए भारत सरकार श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजेगी। भारत श्रीलंका समझौता 1987 में तय हुआ कि लिट्टे को भविष्य की सरकार में उचित स्थान दिया जाएगा, साथ ही तमिल प्रांतीय पुलिस सेवा का गठन किया जाएगा। इस समझौते से तमिलों की स्वायत्तता को तो मंजूरी मिल गई, लेकिन साथ ही साथ तमिल भाषा पर भी बात बन गई थी, लेकिन तमिल ईलम की मांग को नहीं माना गया जो कि लिट्टे की शुरू से मांग थी। इस समझौते में लिट्टे समेत सभी लड़ाके संगठनों के निशस्त्रीकरण की बात की गई थी। ये लिट्टे के लिए एक बड़ा झटका थी। प्रभात राणा इस समझौते से खुश नहीं था, वो तमिल ईलम से नीचे कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन फिर भी शुरुआत में वो हथियारों के समर्पण के लिए तैयार हो गया। 4 अगस्त को प्रभाकरण ने घोषणा की कि वो हथियारों का समर्पण कर रहा है, लेकिन वो अपने भाषण के अंत में अपना आदर्श वाक्य कहना नहीं भूला, जो था टाइगर्स की तमिल मातृभूमि के लिए प्यास। ये आदर्श वाक्य अलग तमिल ईलम बनाने का लिट्टे का नारा हुआ करता था। लिट्टे सिर्फ एक स्वायत्त तमिल राज्य से खुश नहीं था, उसे चाहिए थी पूरी आज़ादी, उसे एक अलग देश चाहिए था, इसलिए अंदर ही अंदर उसकी प्लानिंग कुछ और थी। लेकिन इस समझौते ने कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन तमिल बहुसंख्यक वाले उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में शांति बहाल कर दी। वहीं जहां बाकी तमिल लड़ाकू संगठनों ने अपने हथियारों का समर्पण कर दिए, वहीं लिट्टे अपने हथियार समर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। लिट्टे ने शुरू में कुछ हथियार समर्पित भी किए, लेकिन सभी नहीं। लिट्टे अंदर ही अंदर और अधिक हथियार इकट्ठे करता जा रहा था। अब भारत श्रीलंका समझौते के तहत भारत को अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजनी पड़ी, जिसका काम था लिट्टे के हथियारों का समर्पण कराना। इस काम के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि IPKF ने ऑपरेशन पवन की शुरुआत कर दी। ऑपरेशन पवन के अनुसार IPKF को लिट्टे के नियंत्रित जाफना क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना था, और अब लिट्टे और IPKF के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, वो भी जाफना के उन जंगलों में जिनसे भारतीय सेना उतनी परिचित नहीं थी। भारत को इसका अंदाजा भी नहीं था कि इससे भारतीय सेना को कितना नुकसान पहुंचने वाला है। 3 हफ्तों तक IPKF और लिट्टे के बीच भीषण संघर्ष छिड़ता है। अंततः IPKF ने जाफना से लिट्टे का नियंत्रण समाप्त कर दिया, लेकिन इस भीषण युद्ध में भारत के 214 जवान शहीद हो गए। भले ही जाफना पर IPKF का नियंत्रण हो गया था, लेकिन ये अगले 3 साल तक चलने वाले भीषण युद्ध की शुरुआत भर था। इधर तमिलनाडु में राजीव गांधी सरकार के प्रदर्शन खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। DMK जैसी पार्टियों ने श्रीलंका में तमिलों के विरुद्ध की जा रही IPKF यानी कि भारतीय सेना के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी, उसका विरोध शुरू हो गया। अब भारत में भी ये आम राय होने लगी कि IPKF को वापस भारत बुला लेना चाहिए, क्योंकि एक तो भारतीय सेना के जवान इस युद्ध में बिना बात के शहीद हो रहे थे, दूसरी बात कि वे अपने ही तमिल लोगों के खिलाफ लड़ाए जा रहे थे। विपक्ष के नेता BP सिंह ने बयान दिया कि भारतीय जवान अकारण ही श्रीलंका में शहीद हो रहे हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका में भी राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी। श्रीलंका में मांग उठने लगी कि IPKF को उनके देश से बाहर निकाला जाए। श्रीलंका के नेता जैसे कि प्रेमदासा और श्रीमावो भंडारनायके भी भारत श्रीलंका समझौते के खिलाफ थे, और भारत द्वारा श्रीलंका में IPKF भेजने को देश के लिए अपमानित करने वाला फैसला मानते थे। प्रेमदासा ने कहा कि अगर वे भारत श्रीलंका के राष्ट्रपति बनते हैं तो IPKF को वापस भेजेंगे। भारत के लिए अब बड़े ही संकटपूर्ण स्थिति बन गई कि एक तरफ तमिलनाडु में विरोध हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नेता राजीव गांधी को घेर रहे हैं, दूसरी तरफ श्रीलंका में भी उनका विरोध हो रहा है। इस कारण IPKF और लिट्टे में 10 अक्टूबर 1987 से लेकर चल रहे इस युद्ध में 12 जुलाई 1989 तक भारत के 945 जवान शहीद हो गए। वहीं लिट्टे ने भी इसमें 754 के करीब काडर खो दिए। लिट्टे के लिए इन काडरों की भरपाई करना मुश्किल हो रहा था, वो कमजोर पड़ता चला जा रहा था। ऊपर से भारतीय सेना भी अब जाफना के जंगलों और उसके गुप्त रास्तों से परिचित होती जा रही थी। लिट्टे भी चाहता था कि IPKF वापस चली जाए। इस बीच श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं और प्रेमदासा राष्ट्रपति बन जाते हैं, जो पहले से ही IPKF का विरोध कर रहे थे। प्रेमदासा IPKF को वापस भारत भेजने के लिए वचनबद्ध थे, इसलिए 12 अप्रैल 1989 के दिन प्रेमदासा ने 7 दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी और लिट्टे से देश की मुख्य धारा में शामिल होने का आह्वान किया। लिट्टे ने इस पर सहमति जताई और राष्ट्रपति को जाकर IPKF के द्वारा
तमिलों पर की जा रही यातनाओं को लेकर बताया। 1 जून 1989 के दिन प्रेमदासा ने भारतीय सेना से वापस जाने के लिए आदेश दे दिया। प्रेमदासा ने कहा कि हमारी यही इच्छा है कि जुलाई 1989 तक भारत का एक एक अंतिम सैनिक भी श्रीलंका छोड़ दें। प्रेमदासा ने राजीव गांधी को भी एक पत्र लिखकर अपील की कि वो पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लें। हालांकि परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि जिसके कारण राजीव ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। जैसे कि तमिल नेता अमृता लिंगम अपील कर रहे थे कि जब तक इस क्षेत्र में पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो जाती और अन्य कानूनी व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती जिससे मैं आम तमिल शामिल हों, तब तक भारतीय सेना को वापस नहीं बुलाया जाए। लेकिन इन कुछ आवाज़ों को छोड़ दें तो चौतरफा IPKF का विरोध हो रहा था। इस बीच नवंबर 1989 में भारत में भी लोकसभा चुनाव आ जाते हैं। अब सब लोग देख रहे थे कि इस चुनाव से तय होगा कि IPKF आगे भी श्रीलंका में रहेगी कि नहीं। चूंकि बीपी सिंह जैसे लगभग सभी विपक्षी नेता राजीव गांधी के इस फैसले का विरोध कर रहे थे, इसलिए ये तय माना जा रहा था कि अगर इस चुनाव में राजीव गांधी हार जाते हैं तो श्रीलंका से IPKF को नई वाली सरकार वापस बुला लेगी। और अंततः हुआ भी यही, 1989 के इन लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी की हार हो जाती है और गठबंधन की सरकार के तहत बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बीपी सिंह की सरकार को भाजपा और लेफ्ट पार्टियों का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि इस सरकार को तमिलनाडु की DMK पार्टी के नेता करुणानिधि का भी समर्थन हासिल था। इसलिए लिट्टे को भी इससे उम्मीद जगने लगी कि नई सरकार अब सेना को श्रीलंका से वापस बुला लेगी। उम्मीद के मुताबिक बीपी सिंह की नई सरकार ने सेना को श्रीलंका से वापस बुलाने का आदेश दे दिया। उधर IPKF के जाते ही श्रीलंका के उत्तर पूर्वी इलाकों का नया वाला ढांचा फिर से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक बार फिर वहां पर प्रभाकरण और लिट्टे का दबदबा हो गया। प्रभाकरण ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो तमिल ईलम की मांग को नहीं छोड़ेगा और ना तब तक अपने शस्त्र त्यागेगा जब तक कि ऐसा प्रस्ताव पर उसकी सहमति नहीं बनती जो कि उसे मंजूर हो। अब प्रभाकरण दोबारा से खुद को मजबूत करने लगा। इधर भारत की राजनीति में भी बदलाव की संभावना नजर आने लगी, क्योंकि बीपी सिंह की सरकार गठबंधन से बनी थी जो कभी भी टूट सकती थी, क्योंकि गठबंधन करने वाली पार्टियों में आपस में ही नहीं बन रही थी। गठबंधन की इस फूट ने 7 नवंबर 1990 के दिन वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। अल्पमत में पड़ने पर वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं चंद्रशेखर सिंह को राजीव गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे दिया, क्योंकि चंद्रशेखर सिंह के पास 60 से अधिक सांसद थे और इस तरह राजीव गांधी के समर्थन से चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये पहली लिट्टे के लिए पहली सुगबुगाहट थी कि राजीव दोबारा से भारत की सत्ता में लौट सकते हैं। राजीव भी श्रीलंका के मामले को लेकर बार बार अपना स्टैंड रख रहे थे कि IPKF को लेकर उनका वही पुराना मत था। उन्होंने संडे पत्रकार को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर एक मित्र देश को सहायता चाहिए तो हम क्या करेंगे? मालदीव ने सहायता मांगी, क्या हम उन्हें मना कर देते? और क्या हम अमेरिका को मालदीव में अपने आदमी भेजने देते? राजीव गांधी का इशारा विदेश नीति की तरफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों की आंतरिक कलह में विदेशी ताकतें आ जाएं जो भारत के लिए आगे चलकर खतरा बने। लेकिन राजीव गांधी के हर कदम पर लिट्टे और प्रभाकरण नजर बनाए हुए थे, खासकर श्रीलंका पर उनके विचारों को लेकर, उनके बयानों को लेकर। भले ही IPKF लिट्टे को पूरी तरह हरा नहीं पाई थी और ना ही निशस्त कर पाई थी, लेकिन ये सच है कि IPKF ने लिट्टे को भारी नुकसान पहुंचाया था और उसे जंगली क्षेत्रों तक समेट कर रख दिया था। इस बीच जुलाई 1990 में राजीव गांधी ने IPKF के सवाल पर बयान दिया कि यदि लिट्टे अपने प्रयासों में सफल हो जाता तो तमिलनाडु में भी अलगाव के रुझान बढ़ जाते। राजीव गांधी के अनुसार लिट्टे को रोकना और श्रीलंका में ही तमिलों के अधिकारों को सुरक्षित रखना भारत के हित में होगा। राजीव गांधी श्रीलंका के विभाजन के खिलाफ थे और एक ऐसे संगठित श्रीलंका के पक्ष में थे जहां तमिलों को पर्याप्त स्वायत्तता हासिल हो। इसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि अगर लिट्टे को तमिल ईलम चाहिए था और वो अपने उद्देश्य पर अड़े रहना चाहता था तो राजीव गांधी से उसका भिड़ना तय था। राजीव गांधी का दोबारा सत्ता में आना लिट्टे के लिए सीधे सीधे खतरे की घंटी था। IPKF के जाने के बाद ही लिट्टे तमिल ईलम के लिए दोबारा से युद्ध शुरू कर चुका था। अगर राजीव के सत्ता में आने पर दोबारा श्रीलंका सरकार उनसे मदद मांगती तो लिट्टे के लिए भारी मुश्किलें हो सकती थी, क्योंकि अब IPKF श्रीलंका के इलाकों के लिए नहीं थी, खासकर जाफना के इलाकों के लिए। प्रभाकरण तमिल ईलम के अलावा कुछ और नहीं चाहता था और तमिल ईलम का सपना भारत और श्रीलंका दोनों की ही अखंडता के खिलाफ था। और राजीव एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चाहते थे कि तमिल ईलम की आग की लपटें भारत के तमिलनाडु राज्य तक पहुंच जाएं।
और भारत भी गृह युद्ध की तरफ चला जाए जैसे कि श्रीलंका चला गया। प्रभाकरण के तमिल इलम के सपने में राजीव गांधी एक बड़ा कांटा थे। अगर वे सत्ता में वापस लौटते तो प्रभाकरण का ये सपना पूरा नहीं होता। इसलिए प्रभाकरण के पास एक ही विकल्प था, वो था राजीव को सत्ता में वापस आने से रोकना। और इसी बैकग्राउंड में अब राजीव की हत्या की साजिश रची जाने लगी। भारत में अब 10वीं लोकसभा के लिए चुनावों का बिगुल फूक चुका था। माना जा रहा था कि उस चुनाव में राजीव गांधी वापस लौट सकते हैं। जगह जगह राजीव चुनावी रैलियों के लिए जा रहे थे, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए आते। 21 मई 1991 के दिन राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे थे। बस लिट्टे के लिए यही एक मौका था कि राजीव को हमेशा हमेशा के लिए अपने राजनीतिक इरादों के सामने से हटा दिया जाए। और फिर रची गई एक साजिश जिसके तहत श्री पेरम्बदूर की रैली में बस एक बड़ा सा धमाका किया जाता है, जिसके आकाश में उड़ते हुए बारूद और धुएं के नीचे राजीव गांधी हमेशा हमेशा के लिए चिरनिंद्रा में सो गए। राजीव के फैसलों को लेकर उनकी आलोचना की जा सकती है और उनकी आलोचना हुई भी। उन्होंने इसका नुकसान तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में उठाया भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष ने उनसे कई जायज सवाल पूछे, इसका उन्हें नुकसान भी हुआ। लेकिन इन सबके इतर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि राजीव भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सबसे ऊपर रखे हुए थे, चाहे इसके बदले उन्हें राजनीतिक नुकसान क्यों ना उठाना पड़ा और अंत में अपनी जान भी गंवानी पड़ी। राजीव ने श्रीलंका के तमिलों के लिए भी श्रीलंका में सम्मानपूर्वक अधिकार दिलाने के लिए प्रयास, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि चाहे वो तमिल हों, चाहे सिंगली हों, चाहे श्रीलंका की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, ये चारों इसमें ऐसे फंस गए थे कि राजनीतिक रूप से उसमें से निकलना मुमकिन ही नहीं था। अगर चारों ही पक्ष की तरफ से ईमानदारी के साथ बातचीत की जाती, न्याय के साथ बातचीत की जाती और मानवीय मूल्यों के साथ बैठकर बातचीत की जाती तो इतना खून खराबा ना होता। लेकिन श्रीलंका की सिंगली बहुसंख्यक सरकार के तमिल अल्पसंख्यकों के साथ किए गए बर्ताव से सीखा जा सकता है। सीख ये कि बहुसंख्यक हों चाहे अल्पसंख्यक हों, तुष्टिकरण के लिए किसी समुदाय की आकांक्षाओं को कुचला नहीं जाना चाहिए। किसी भी समुदाय को मानवीय अधिकारों से इतना वंचित न कर दिया जाए कि एक दिन वो हथियार उठा लें। अगर सिंगली बहुसंख्यक सरकार अपने तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को एकतरफा न कुचलती तो श्रीलंका में ये संकट की घड़ी ना आती। यही सबक भारत के लोगों को भी लेना चाहिए। किसी भी ऐसी पार्टी या विचारधारा का समर्थन नहीं करना चाहिए जो वोटों के लिए एक खास समुदाय को टारगेट करती रहे और आपको बरगलाती रहे। आपको उसमें एक समय तक आनंद आ सकता है, लेकिन अंततः वह देश की शांति और एकता के लिए सही नहीं है। बहरहाल ये कहानी थी लिट्टे की, ये कहानी थी राजीव गांधी की, ये कहानी थी श्रीलंका के तमिलों की और सिंगलियों की। फिर कोई कहानी लेकर आऊँगा, कहानियाँ कुल्हाड़ियों से लड़ने वाले पेड़ों की कहानियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।